हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम चार अमेजिंग और अनोखा हथौड़ा बम देखने वाले हैं जो कि कमाल के हैं गाइस। तो चलिए फटाफट देखते हैं आखिर ये बनता कैसे। तो गाइस, नंबर वन, हथौड़ा बम बनाने के लिए हमें माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी और इसके बारूद की। तो ये जो तीलियां है गाइस माचिस के, इसमें से हम बारूद वाला पार्ट है इसे इस तरीके से तोड़ तोड़ कर अलग कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है, तो इसे चलिए बनाते हैं गाइस। तो माचिस का जो साइड वाला है, रगड़ने वाला, इसे भी हमें अलग करना होगा। और टोटल मैंने चार यहाँ पे ले लिया है, दो माचिस से। और यहाँ पे मैं रंगीन पेपर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पे कलर मैंने ले लिया है जो कि देखने में काफ़ी मस्त लगने वाला है, अमेजिंग लगने वाला है। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और बीच में बारूद के यहाँ पे टुकड़े रखने हैं। तो 5 से 6 टुकड़े आप रख सकते हो और इस तरीके से मोड़ना है गाइस। अच्छे से मोड़ देना, आपको एकदम टाइटली मोड़ना है ताकि ये हथौड़ा बम अच्छे से वर्क करे, अच्छे से काम करे। तो देख सकते हो ऐसे मुड़ चुका है और ये बढ़िया सा ऊपर से धागा हम लपेट देंगे ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए गाइस। तो टोटल मैंने 4 बना लिया है। और अगर आप धागा नहीं लपेटना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेप से भी काम चला सकते हो। तो देखा गाइस कितना कमाल का फटता है और ये काफी खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है गाइस नंबर 2। तो इसे बनाने के लिए हम न्यूज़पेपर का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल सा आपको छोटे छोटे पीस कर लेते हैं न्यूज़पेपर का और 2 टुकड़े ऐसे लेकर और बीच में जो माचिस का रगड़ने वाला है उसे रखना है। और फिर ये जो तीलियां वाला बारूद मैंने निकाला था गाइस, इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो कम से कम 10-12 तीलियों के बारूद को ले लेना है और एक अच्छा सा पोटली बना लेना है गाइस। देख सकते हो ये पोटली बन चुका है इस तरीके से। और यहाँ भी हम धागे का यूज़ करने वाले हैं जो कि काफ़ी आसान होता है गाइस धागे का यूज़ करना और काफ़ी जल्दी हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने धागे लपेट दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो एक हमारा पोटली तैयार हो चुका है गाइस, ये पोटली हथौड़ा बम। तो टोटल हम 4 बना लेंगे इसी प्रोसेस से। सिंपल सा आपको इसको रखना है और हथौड़ा से जोर से मारना है गाइस। तो देखा गाइस था ना एकदम आसान और मजेदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है नंबर 3 गाइस। इसके लिए हम एक स्ट्रॉ ले लेंगे प्लास्टिक का। आप चाहे तो यहां पे पेपर का भी स्ट्रॉ ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा वाला होना चाहिए। ये देख सकते हो ये चौड़ा वाला स्ट्रॉ मैंने ले लिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो मैं टोटल 4 टुकड़े कर लूंगा क्योंकि मैं 4 हथौड़ा बम बनाने वाला हूं। और एक साइड का हमें सील करना है गाइस। तो ये प्लास्टिक वाला अगर होगा तो फटाक से सील हो जाएगा लाइटर का यूज़ करके, और अगर ये पेपर वाला होगा तो आप टेप चिपका कर इसे एक साइड से बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चारों को सील कर लिया है और ये जो माचिस का साइड वाला टुकड़ा है इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गाइस। और इसे इसके अंदर फिट कर देना है ऐसे मोड़ कर, और फिर इसके अंदर माचिस के जो तीलियाँ हैं ये हम खड़े खड़े डाल देंगे इस तरीके से। तो 2 तिलियाँ आराम से आ जाएगा, देख सकते हो। और ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है गाइज। इसे भी नीचे रखना है और जोर से हथौड़ा मारना है और फिर इसका कमाल देखना है गाइज। तो देखा गाइज ये कितना सिंपल था गाइज और कितना कमाल का था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये वाला काफ़ी मज़ेदार है गाइस, ये लास्ट है, 4th है। तो इसके लिए हमें टेप का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेप ले रहा हूँ और सिंपल सा इसे छोटा सा पीस कट कर लेना है और यहाँ पे जो साइड में रगड़ने वाला होता है माचिस का इसे लगाना है और एक यहाँ पे पॉकेट जैसा शेप देना है गाइस। तो मैंने 2 यहाँ पे इस तरीके से लगा लिए और एक पॉकेट जैसा शेप दे देंगे जिसके अंदर मैं बारूद भर सकूँ, ये देखे इस तरीके से। लेकिन ये दोनों साइड अभी खुला है तो एक साइड को हमें फिर से सील करना होगा। तो एक साइड में टेप चिपका देता हूँ और ये अच्छे से पैक हो जाएगा, देख सकते हो ये पैक हो चुका है और ये अच्छा सा एक पॉकेट बन चुका है गाइस। इसमें आप बारूद को भर सकते हो। तो टोटल मैं 4 बनाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट चारों को
अच्छे से बना लेते हैं गाइस। चार बनकर यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, चार पॉकेट। इसके अंदर हमें बारूद भरना है। तो ये देख सकते हो काफी अच्छा खासा जगह आपको मिल जाएगा, जिसमें आप 8-10 बारूद के टुकड़े, जो तीलिये के टुकड़े मैंने बनाया है, वो आ जाएंगे इसके अंदर। देख सकते हो अच्छे से इसमें फील कर देना आपको, ठूस ठूस कर। तो ये फील हो चुका है और एक साइड से मैंने सील किया था गाइस, दूसरे साइड से भी हमें अच्छे से सील कर देना है। तो ये पूरा पैक हो जाएगा और जो बारूद है वो निकलेगा नहीं। तो एक मेरा बनकर कंप्लीट हो चुका है, इसी प्रोसेस से बाकी सभी को भी बना लेंगे। और इसके लिए मैं प्लास्टिक रैपर यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ये टॉफ़ी का रैपर है। आप कोई सा भी टॉफ़ी का रैपर यूज़ कर सकते हो। पहले आपको टॉफ़ी खा लेने हैं, फिर उसका रैपर का यूज़ करने हैं। तो आम के आम, गुठलियों के भी दाम यहाँ पे निकल जा रहे हैं गाइस आपके। तो एक बनकर तैयार हो चुका है, इस तरीके से मोड़ देना है। और गाइस अपने फ्रेंड को इसे बनाकर चौंका सकते हो और उसको कमाल दिखा सकते हो। तो यहाँ पे चार बनकर तैयार हो चुके हैं, इसे भी सिंपल जमीन में रखना है और जोर से हथौड़ा मारना है गाइस। तो देखा गाइस, ये टॉफी बम का कमाल कितना मजेदार था यार, और कितना अमेजिंग था। तो इस कमाल के आइडिया के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए गाइस, और नीचे कमेंट करके बताइएगा चारों में से आपको कौन सा हथौड़ा बम ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।